नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबर। सिलवानी तहसील के गांव चिंगवाड़ा कला, शाला बर्रू, जैथारी व सांखेड़ा में 37-37 लाख रुपए की लागत से गौशालाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जबकि डाबरी गांव की स्वीकृत गौशाला का निर्माण कार्य करीब 2 माह पूर्व पूर्ण होकर जनता को समर्पित की जा चुकी है, लेकिन जैथारी, शाला बर्रू, चिंगवाड़ा कला व सांखेड़ा की गौशालाओं की निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायतों के द्वारा कराया जा रहा है, जहाँ शासन प्रशासन द्वारा नाबालिगों से कार्य कराने पर सख्त कानून बना दिए गए हैं, लेकिन सिलवानी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत जैथारी में बनने वाले गौशाला में नाबालिगों से काम कराया जा रहा है। इस गौशाला के निरीक्षण करने में सिलवानी जनपद के सभी अधिकारी एवं इंजीनियर पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि उनको नाबालिग मजदूर दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी ओर उक्त निर्माण कार्य करीब 6 माह से चल रहा है, लेकिन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका, जिससे मवेशी आज भी सड़कों पर विचरण कर आवागमन में परेशानी का कारण बन रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? जेतारी के। उम्र कितनी है तुम्हारी? 18 साल। आधार कार्ड रखे हो? नहीं, घर पे। 18 साल उम्र हो गई तुम्हारी? क्या नाम है आपका? ललित। ललित कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ गौशाला में कब से काम कर रहे हो आप? कितने पैसे मजदूरी मिलती है आपको? 280 रुपये मजदूरी मिलती है। कहाँ से आए हो आप काम करने? आपकी उम्र कितनी है? उम्र की जानकारी नहीं है आपको? पंचायत जैथारी में जो गौशाला निर्माण हो रहा है उसमें काफ़ी घटिया किस्म का निर्माण कार्य चल रहा है, साथ में वहाँ पर नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं। निर्माण घटिया किस्म का हो रहा है ऐसी तो कोई जानकारी नहीं मिली, ना ही ऐसी कि नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं, तो उसको इनका चेक करा लेंगे। बाकी जो निर्माण कार्य है उसके लिए तो समय समय पर सब इंजीनियर जाते हैं देखने के लिए निर्माण की क्वालिटी कैसी है क्या है, और इसको भी हम चेक करवा देंगे कि अगर वहाँ पर नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं। एक और जहाँ मध्य प्रदेश में मैडम बाल मजदूरी बंद है, वहीं नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं, और आपकी पंचायत खुद एजेंसी और नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं, इसके आप ऐसा मुझे लगता नहीं है कि नाबालिग बच्चे काम कर रहे होंगे, फिर भी आपकी आपसे जानकारी मिली है तो मैं इसको चेक करवा। हमारे पास प्रूफ है और आधार कार्ड है जो आपको हम बता देते हैं, उसके बाद आप क्या कार्रवाई करेंगी? पहले मुझे अपने स्तर से चेक करवा लेने दीजिए, ठीक है, उसके बाद। खबर समय जगत के लिए सिलवानी से ब्यूरो रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.